हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ राम और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टॉक विद राम। तो दोस्तों, यह सिर्फ सभी को पता है कि आज मंडे हैं और मंडे को मेरी स्पेशल वीडियो आती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए जो टॉपिक होगा आज का, कंप्लीट वीडियो को देखना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपकी जो कमेंट्स मेरे भाई की, जिस जिस भाई की भी आती है, उसके क्या प्रॉब्लम्स वो आ रही हैं मेरे भाई को, कितने मार्क्स उसके ज़्यादा हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, हर एक चीज़ के बारे में हम बताएंगे फुल डिटेल के साथ दोस्तों। तो वीडियो को कहीं पे भी छोड़ के मत जाना। वीडियो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। इसमें भाई जो जो कमेंट्स आई हैं भाई मेरे, कई भाई कुछ जिनको REME में रिजेक्ट जो रिजेक्शन हो गया था वो भाई, तो उन्होंने कोर्ट केस किया था, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत बताएंगे कि क्या भाई का फैसला आया और क्या उसका डिसीजन हुआ, क्या भाई का फिर से REME लिया जाएगा, तो क्या प्रोसेस है उसका पूरा। अगर आप भी कोई मेरा भाई REME में रिजेक्टेड हुआ है तो वो भी क्या ऐसा कुछ कर सकता है, तो सब कुछ हम बताएंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे अगर चैनल है फर्स्ट टाइम विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम बात की जाए, बहुत सुरेन MP से हूँ, 353 नंबर ज़्यादा है सर। फर्स्ट चॉइस CRPF BSF, कितने चांसेस हैं भाई आपके? बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं। अब मध्य प्रदेश से हो, आपके मार्क्स भी ST कैटेगरी है, आपके मार्क्स भी ठीक है भाई, हो जाएगा, चांसेस है 100% चांसेस आपका। बिल्कुल टेंशन मत लो, आप चिंता भाई मत करो। आप ये एक तो CRPF की आपने फर्स्ट चॉइस दी है, तो 100 में से 100% भाई चांसेस हैं। जैसे सेकंड कमेंट की अगर बात की जाए तो वह शुभम जी, वो हमसे पूछ रहे हैं सर जम्मू की कट्टा भी बनाओ। भाई बिल्कुल, एक ऑलरेडी वीडियो डाली है मैंने इसके कट्टा के रिलेटेड जम्मू के, लेकिन अगर आपको फिर से चाहिए तो भाई मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा फिर वेट करना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि वीडियो को अपलोड कर दूँ। 2-3 दिन आप वेट कीजिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम 3 दिन, 3 दिन के बाद आपको मिल जाएगी भाई। सेम नीचे कमेंट्स बोही भाई ने किया कि भाई जम्मू की, तो भाई आपकी आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए किसी भी बात की, आप टेंशन मत लो भाई, आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। और कमेंट में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछने जाते हो तो मुझसे भाई पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मोदी सर गुड सर, गुजरात पे भी वीडियो बनाओ भाई। गुजरात पे ऑलरेडी बनाई है मैंने, बॉर्डर एरिया भी, ये भाई बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं भाई, आपकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है मैंने, फिर भी मैं जल्दी से बनाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है त्रिनाथ सर, उड़ीसा की नक्सल एरिया की बताओ। तो भाई बिल्कुल ऑलरेडी कल या परसों मैंने वीडियो डाली है, वो 1-2 दिन पहले, आप बिल्कुल चेक कर सकते हो जाके, हो जाएगा भाई। प्लीज़ बताओ, हमारे भी केस किया है, कुछ हो सकता है क्या? सुनवाई हो गई है, अब फैसला आना बाकी है। ये भाई मेरा GPS करके, इस भाई का भी REME में रिजेक्टेड हुआ था, तो भाई ने काफ़ी कमेंट्स किए, तो भाई का क्या केस आया ये मैं बोल रहा था आपको। तो मैं इस भाई ने काफ़ी लंबे मुझे मैसेज किए, तो भाई मेरा नंबर भी मांग रहा था, तो सॉरी भाई मैं नंबर तो नहीं देख सकता था, क्योंकि ऐसे तो फिर सभी के फ़ोन आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर भी मैं आपको कुछ इसके कमेंट्स जो पढ़ के बता देता हूँ। जो भाई ग्वालियर हाई कोर्ट में इसने भाई ने याचिका लगाई थी, जिसके 7 दिन के भीतर हो गए थे, यानी उसका जवाब आना है अभी। तो भाई ने बोला, मैंने भाई को बोला मुझे समझ थोड़ी नहीं आ रही कि आपका डिसीजन क्या जो इसका पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो फिर भाई ने रिप्लाई दिया, जी सर बिल्कुल इसका मैंने कर दिया हुआ था, लेकिन भाई थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आपका हो जाएगा कुछ ना कुछ। अगर आपका कोर्ट का डिसीज़न आता है, अगर आपका REME होगा तो आपका डेफिनेट होगा भाई। सब मेडिकल फिट वालों को ज्वाइनिंग चाहिए भाई, बिल्कुल मक्खन भाई जी, बिल्कुल मिलेगी। इस बार हमारी कोशिश यही है कि सभी को ज्वाइनिंग मिले, जितने भाई मेरे कोशिश कर रहे हैं। मानस सर असम जनरल डिस्ट्रिक्ट यूर्स कटअप 42.69, मेरा मार्क्स 44.12, फाइनल सिलेक्शन होगा फर्स्ट चॉइस CRPF भाई। बिल्कुल चांसेस तो हो रहे हैं, आप असम से हो जनरल डिस्ट्रिक्ट से भाई, 80 से 90% चांसेस भाई। थोड़े से अब निराश मत होना, क्योंकि जनरल में और नक्सल में आपको पता वैकेंसी कम है भाई, तो इसलिए भाई थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वैसे जम्मू में कितना और है भाई अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता जी, भाई सीधा मुझे पूछ रहा है कि जम्मू में अभी कितने मेडिकल
दिन कितने दिन चलेगा बाइक ने, शायद ऐसा पूछा, मुझे जो समझ आई भाई, फिर से आप बता देना भाई। SSF की OBC की कट ऑफ से 1.9 मार्क्स से ज़्यादा है, फर्स्ट प्रेफरेंस SSF ही है, तो भाई बिल्कुल आपकी हो जाएगी सिलेक्शन, आप चिंता मत करो। ये कबड्डी सर, जिनका सिलेक्शन NIA या SSF में नहीं हुआ तो क्या उनको SSC को दूसरी पोस्ट प्रोवाइडेड कराई जाएगी? जी CSF BSF भाई बिल्कुल होगी, अगर आपका जैसे आपका सबसे पहले फाइनल मेरिट बनेगा, अगर आपके उसमें सिलेक्शन उसमें नंबर आ जाता है तो भाई बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरी वैकेंसी दूसरी पोस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे मान लो NIS आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, NIE आपको नहीं मिलती, सेकंड प्रेफरेंस CISF है तो आपको CISF मिल जाएगी, BSF है BSF मिल जाएगी, उस हिसाब से आपको मिलता जाएगा। एक बार आपका फाइनल मेरिट में नाम आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरिट में आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। पीछे से ये पहले मैंने को कमेंट करके बता दिया भाई, आपका अगर सिंपल सा फंडा आपका नाम अगर आ गया तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, आपसे कोई नहीं आपको पोस्ट आपकी छीन सकता, बिल्कुल टेंशन मत लेना। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो थी जो मैंने जो भाई मेरे के हफ्ते के कमेंट्स आ रहे थे उस पर बनाई, तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।